टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद, ये सामाजिक विज्ञान का इतिहास का प्रथम पार्ट का जो है वो है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव होना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। जैसे कि हम अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, जैसे हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, वैसे देशभक्त होते हैं जो अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं, वही राष्ट्र कहलाता है। राष्ट्र की परिभाषा क्या है? समान नस्ल, समान भाषा और समान जाति व समान धर्म के लोग, मतलब कि समान विचारधारा के लोग जहाँ पे रह रहे हों उनकी भाषाएं समान हो, ये क्या होती है राष्ट्र का परिभाषा है। स्टेटस जनरल क्या है? तो स्टेटस जनरल फ्रांसीसी संप्रदायों के लिए स्टेटस जनरल आम सभा थी, जो इसका नाम बाद में बदलकर आपका रखा गया नेशनल असेंबली रखा गया। वियना कांग्रेस क्या था? यूरोप देशों में राजपूतों का सम्मेलन था जो कि वियना में आयोजित किया गया था, जिसका नाम रखा गया। तो नेपोलियन कौन था? नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने पूरे यूरोप को प्रभावित किया। नेपोलियन एक ऐसा शासक था जो 24 वर्ष की उम्र में सेनापति बन गया और युद्ध किया और फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, उदारवादी क्या होते हैं? उदारवादी समान चल रही आ रही राजशाही व्यवस्था का विरोध करते हैं, यानी कि ये जो राजा है जिसकी दैवीय अधिकार है इसका विरोध करते हैं और तेज बदलाव और विकास को प्राथमिकता देते हैं। मतलब कि वह जो है कि राजतंत्र एक तरह से कहें, राजतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं और प्रजातंत्र लाना चाहते हैं। और रूढ़िवाद सेम इसका उल्टा है, और उदारवादी जो है वो राजा के जो है कि उनकी दैविक अधिकारों को मानते हैं और विकास के प्रति रूढ़िवादी का काम करते हैं, यानी उसको रोकने का काम करते हैं। और स्त्रीवाद क्या है? नारी को समाज, समाज जैसे कि नारी को समाज, समाज में समान सामाजिक अधिकार, आर्थिक समान, मतलब कि उसको हर एक काम में प्राथमिकता दी जाए। जैसे कि मर्दों को हर काम में, आदमी को हर काम में जो प्राथमिकता दी जाती है वो औरतों को भी दी जाए, उसी के विद्रोह में ही हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या कार्य था? तो पहला जो था वो था फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद का मेन मुद्दा यही था। तो राजतंत्र जो इसका मांग था वो था राजतंत्र समाप्त किया जाए और जनतंत्र को मांग, मतलब कि राजा के दैविक अधिकारों को खत्म किया जाए और हमारी मांग को पूरे किया जाए, यानी कि सामूहिक पहचान बनाने के लिए कदम उठाना शुरू किया। जैसे कि एग्जाम में आएगा नेपोलियन के बदलाव को लिखिए, तो नेपोलियन का जो बदलाव था वो था कि उसने आयात निर्यात सीमा कर समाप्त कर दिया, मतलब कि एक जगह से दूसरे देश में सामान ले जाने पे कर लगता था तो उस कर को हटा दिया, यानी कि व्यापार करने के लिए खुला खुला हो गया। और भार तथा माप की एक समान व्यवस्था कर दी, मतलब कोई चीज़ यहाँ पे 1 किलो थी तो कहीं दूसरी जगह पे वो 2 किलो भी हो सकती है, तो उसका जो माप तैल की जो सीमा थी, व्यवस्था थी, उसको एक समान कर दिया, मतलब कहीं ले जाकर तौलो वो एक समान ही रहेगी। स्कूल छात्र छात्राओं के लिए समन्वय जैकोबिन क्लब बनाया, उनको मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो छात्र छात्राओं के मतलब समर्थन से एक जैकोबिन क्लब बनाया फ्रांस की आर्मी के समर्थन के तौर पर। तो नेपोलियन की एक नागरिक संहिता है, इसके बारे में भी पेपर में आ सकता है, जिसको आपको लिखोगे कानून के समक्ष सबको बराबर रखा गया, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया और भू दासत्व और जागीरदारी खत्म किया गया, ये नेपोलियन की नागरिक संहिता है। और जागीरदारी क्या है? कुछ हिस्से को कर के रूप में देना, यानी कि आप खेती कर रहे हैं तो खेती का कुछ हिस्सा जो अनाज है उसको कर के रूप में दे रहे हैं। अब जैसे कि इतना तो नेपोलियन जो फ्रांसीसी जो नागरिक थे वो चाह रहा था, वो कर रहा था, तो वो राजा बना रहा, लेकिन अब वो क्रूरता या पतन कैसे हुआ उसका? देखिए, वो व्यापार, आगमन या संचार को बढ़ावा दिया, मतलब कि पैसे अधिक लाने के लिए जैसे कर समाप्त किया और व्यापार आवागमन को संचार को बढ़ावा दिया, और राष्ट्रवादी विचार के लिए ज़मीनों पर कब्जा किया और आर्मी में लोगों को जर्मन जैसे कि जर्मन में आर्मी को सॉरी फ्रांस में जर्मन जबरी जो है कि लोगों को भर्ती करने लगा आर्मी में। ऐसे लोगों को लगा कि अब जो नेपोलियन है वो क्रूर हो गया है। उदारवादी राष्ट्रवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब उदारवादी राष्ट्रवाद में उदारवादी क्या चाहते थे? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सरकार का पक्षधर, कानून के समक्ष एक समान, बाजार में स्वतंत्रता। जैसे कि जालबेराइन, सीमा पर लिया जाने वाला कर था, ये उसका नाम जालबेराइन था। शुल्क अवरोध, मुद्राओं की संख्या केवल 2 की गई, यानी कि पहले जो मुद्रा की जनसंख्या जो संख्या है वो बहुत अधिक थी, लेकिन अब उसको क्या किया गया, उसको कम करके केवल 2 कर दिया गया। नेपोलियन के समय जिसके पास धन नहीं होता था वो वोट नहीं दे सकता था, मतलब जिसके पास धन है वो वही जो है कि वोट दे सकता है, जिसके पास धन नहीं है वोट नहीं देता। और रूढ़िवाद 1815 में कहे थे, तो नेपोलियन के पराजित हुए जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, प्रसार, रूस, ब्रिटेन ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया और फ्रांस रूढ़िवादी परंपरा को बनाए रखना चाहता था और नेपोलियन के उदय को खत्म किया गया, मतलब उसने जितना भी परिवर्तन किया था उसको हटा दिया गया। और वियना संधि में जिसे क्या क्या निर्णय लिया गया, तो फ्रांस की सीमाओं को कायम किया गया, बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और राजतंत्र को जारी रखा गया। क्रांतियों ने जन्म लिया, क्रांतिकारी जैसे कि ये निर्णय लिया गया, तो फिर जैसे जैसा फ्रांस का पहले का राजतंत्र था वो फिर शुरू हो गया, तो क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, उसके निर्माण में क्रांतिकारी ने जन्म लिया और क्रांति के अंदर ही अंदर खुफिया समाज का निर्माण किया। जुसेपी मेसिनी था जिसने यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और यूरोप का स्वतंत्रता संग्राम जो है उसको आपको पढ़ना होगा, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम सॉरी। तो यूनान स्वतंत्रता 1821 में प्रारंभ हो गया, अनेक लड़ाइयाँ लड़ी गई, समूह में मदद किया अनेक, जैसे कि यूनानी खुद थे कलाकार था, पश्चिमी कवि थे और पश्चिमी यूरोपीय थे। इसमें पूरे यूरोप को राष्ट्रवाद में जो है कि फ्रांस में तो हुआ ही था और यूनान में भी हो गया था, इससे जो है कि राष्ट्रवाद विचार जो था वो मजबूत हो गया। युद्ध के बाद 1832 में कुसुन्थिनिया पेश किया गया, जिसको यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। रूमानी बात कल्पना देश, जिसे राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव, जैसे कि हमारे भारत देश में एक भारत माता का तस्वीर है जिसको देखकर हम उसकी पूजा करते हैं या फिर अपने भारत माता की इज्जत करते हैं, ऐसे ही फ्रांस में एक रूमानीवाद है जो औरत की कल्पना थी। 1830 से 1848 यूरोप में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मतलब कि 1840 से जो है कि यूरोप को कठिनाइयों का सामना कर, जनसंख्या वृद्धि बढ़ी और बेरोजगारी भी हो गई, फसल बर्बाद हो गई, कीमतें बढ़ने लगी, खाने की कीमत भी, और लोग सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिए, मतलब कि इतना, मतलब कि जनसंख्या बढ़ गई और सब कुछ खत्म होने लगा, जनसंख्या भी बढ़ा, लोग गाँव से शहर की तरफ चल दिए, गरीबी में वृद्धि हो गया, तो जिससे खाने की सामग्री में कमी हो गई, फसल भी बर्बाद हो गई थी और लोग मर रहे थे, इसलिए लोग सरकार के प्रति विद्रोह कर दिए। ये सब खत्म कर एक नया कानून बनाया गया जिसे राजतंत्र हो गया, सॉरी गणतंत्र आ गया, जो 21 साल की उम्र के बाद लोगों को वोट देने का अधिकार किया गया, नागरिकों को काम देने की गारंटी हो गई और रोजगार के लिए कारखाने उपलब्ध कराए गए और धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी समाप्त हो गई। आपका एक और क्वेश्चन छिप रहा है जर्मनी एकीकरण, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर का, अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।